for live classes. Install my app Spectrum Career Institute IITG, NEET and Board from Play Store. Hello students. Good evening. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में. ठीक है, चलो. ये 12th क्लास का आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना. इसमें मेनली जो है वो चार्ज के बारे में ज़्यादा बातें होगी, ठीक है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज हो गया, ठीक है ना. स्टैटिक्स मतलब रेस्ट. मतलब इस चैप्टर में आप जो भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा चार्ज पे बेस्ट होगा. और चार्ज कौन से कंडीशन में होगी? रेस्ट में होगी. हम लोग तब बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिटेल से, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे, जब चार्ज हमारा कौन से कंडीशन में होगा? रेस्ट में होगा. कैसा होगा चार्ज? रेस्ट में होगा, ठीक है ना. तब हम उसके बारे में जो डिटेल में उसकी प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है. चार्ज की और भी बातें होगी. जब चार्ज मोशन में होगा तो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में. जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तब भी हम उसके बारे में बात करेंगे. जब चार्ज हमारा रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा. जब चार्ज आपका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बातें करेंगे. और जब चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगा तो हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या नाम है इसका भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मतलब इसमें हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? हमने पहले भी आपको रिपीट किया, फिर से आप समझो. हम इसमें बात करेंगे चार्ज के बारे में. लेकिन चार्ज के कौन से कंडीशन के बारे में बात करेंगे? चार्ज जब रेस्ट में होगा तब बात करेंगे. कब बात करेंगे? जब चार्ज कौन से कंडीशन में होगा? रेस्ट में होगा. ओके, इसका मीनिंग भी आप यहां से समझ सकते हैं. देखो, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब क्या हुआ? चार्ज के बारे में बात किया जा रहा है. किसके बारे में बोला जा रहा है? चार्ज के बारे में. स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट. मतलब इसको अगर हम डिटेल में समझें, एक लाइन में समझें, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट. चार्ज एट रेस्ट. तो सबसे पहला जो वर्ड इसमें हमारे पास आया है वो कौन सा है? चार्ज. तो सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज क्या है, ठीक है. तो सबसे पहला वर्ड इसमें जो आया हुआ है वो क्या है? चार्ज. तो चार्ज क्या है पहले चार्ज के बारे में समझ लो, फिर लिखवा देंगे, ठीक है. चार्ज क्या होती है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, नॉट अ पार्टिकल. चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर्टी है. लेकिन किसकी प्रॉपर्टी है? जब प्रॉपर्टी होगी तो किसी ना किसी चीज का तो प्रॉपर्टी होगा. ये प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का. किसका प्रॉपर्टी है ये? एलिमेंट्री पार्टिकल्स. और हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब हुआ बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है. और हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं बताओ? आप एटम पे जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है. एटम्स, हमने एक एटम लिया. एटम्स में टू पार्ट्स होते हैं ना, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा क्या होती है भाई? ऑर्बिट. न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन. ये जो थ्री पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसे ही बोला जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स. और ये जो चार्ज है, चार्ज इसी की प्रॉपर्टी है. ओके, तो चार्ज की डेफिनेशन आप लिखो, ठीक है. चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है. लिखो, इट इज एन इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. एलिमेंट्री पार्टिकल्स. और अभी मैंने बताया एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कौन कौन से आएंगे हमारे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, अब हम चार्ज के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ
चार्जेस, ठीक। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन नेगेटिव चार्ज, ओके। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, ओके। अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, और जिसे भी आप मेजर कर सकते हो वो सब क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो चार्ज भी हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन चार्ज कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी हो गया ये, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ओके, ठीक है। उसके बाद चार्ज दो तरह से होता है, मैंने पहले बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे कौन कौन से नेचर का चार्ज है। तो सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेचर का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होती है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। उसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ये न्यूट्रल होती है, ठीक है। चार्ज को हमने बोला कि ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसे मेजर भी करेंगे। तो इसको मेजर किस में करते हैं, इसे मेजर किया जाता है कूलम में। तो द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज न्यूटन, द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, क्या बोला था अभी हमने, कूलम, इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितनी होगी, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटॉन पे कितना होगा, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पे क्या होगी, 0, ठीक है। चलो इसे लिख लो आप, नेक्स्ट हेडिंग पुट करो आप, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, क्या मतलब हुआ इसका, अगर सेम चार्ज होता है, मतलब सेम नेचर का चार्ज हुआ, जैसे मान लो ये प्लस का Q1 है और ये हमारा प्लस का Q2 है, तो यहां पे रिपल्सन होगा, मतलब ये एक दूसरे को पुश करेंगे, पुल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओपोजिट, ओपोजिट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, अगर ऑपोजिट नेचर का होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर प्लस का Q1 है और ये माइनस का Q2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा एक दूसरे का, ठीक। अनदर इज, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिटिव नेचर के बारे में बात करेंगे, एडिटिव नेचर,
मतलब चार्ज को हम लोग ऐड कैसे करेंगे, चार्ज को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है ना। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन तो है नहीं, तो सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड कर सकते हैं मतलब अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं, मतलब इसे ऐड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा रूल हमें नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी बताया हमने कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब स्केलर है तो इसे ऐड करने के लिए आपको कोई अलग से रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो अलजेब्रिक रूल है उसी को फॉलो करके इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अब क्या लिखोगे, इसमें लिखो एज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट फॉलो सिंपल अलजेब्रिक रूल फॉर एडिशन। ओके, एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, जैसे मान लो Q1 इक्वल टू प्लस 5 कूलम, Q2 इक्वल टू प्लस 10 कूलम एंड Q3 इक्वल टू माइनस 2 कूलम। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इक्वल टू प्लस 5 प्लस 10 माइनस 2, दिस इक्वल टू 13 कूलम। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चलो इसे आप नोट डाउन कर लो भाई, कर लिया। चलो पॉज करके इसे लिख लो, हटा रहे हैं, चलो। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा चार्ज है, किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होता है, आप एक बात समझो पहले कि चार्ज किसी भी बॉडी में आया कैसे। हमने बताया चार्ज क्या है, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल के। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे रहते कहाँ पे हैं, मास के अंदर। कहाँ पे होता है, मास। मास किससे बना भाई, मास बना तुम्हारा एटम्स है, और एटम के अंदर में कौन है, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके ऊपर में चार्ज वाली प्रॉपर्टी है। तो अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो चार्ज है, जहाँ भी आपको चार्ज कहीं पे भी दिखेगा, मतलब वहाँ पे मास एसोसिएटेड होगा, बिना मास का चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मास है तो ये नेसेसरी नहीं है कि इसमें चार्ज होगा, बट अगर चार्ज है तो 100% श्योर है कि यहाँ पे मास है, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आ रही बातें, क्यों, जरा इसको और अच्छे से समझो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में मास होता है या नहीं होता है, होता है। इलेक्ट्रॉन की मास पता है आपको, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, इस पर भी मास है, इसका मतलब जहाँ कहीं भी आपको चार्ज दिखे, मतलब मास वहाँ पे है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पूरे यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स उसका मास क्या है, कांस्टेंट है। तो जब पूरे यूनिवर्स की मास कांस्टेंट है तो हमारा चार्ज भी कांस्टेंट हो गया ना, क्या हुआ, चार्ज भी कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या कहलाता है, ये क्या हमें समझाना चाहता है, ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज है मतलब
ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल में क्यों पाया जाएगा? क्योंकि आप बताओ मुझे, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन के। और इलेक्ट्रॉन कभी आपको आधा या फिर 3/4 या फिर 2/4 ऐसा, मतलब फ्रैक्शन में कभी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखेगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्रैक्शन में नहीं दिखेगा तो चार्ज भी हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है यही हमारा बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है ना। तो जो हमारा चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में पाया जाएगा वो ऑलवेज क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप इसे फिर से समझोगे लेकिन मैं थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ, ठीक है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? द चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, और बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। फिर से समझो इसे, देखो चार्ज का, चार्ज कैसे किसी भी बॉडी में आएगा, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक सोडियम का एटम मैं ले लेता हूँ, ठीक है, सोडियम का एटम, ठीक। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, दैट मीन्स व्हाट? इट हैज 11 प्रोटॉन इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सोडियम पे इसकी थोड़ी सी एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद वाले में कितने चले जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अगर किसी वजह से, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, अगर किसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो आप देखो, आप इसके पास कितने प्रोटॉन बच गए? 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 10। इसका मतलब क्या हुआ? एक प्लस का इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रोटॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाईली बॉन्डेड होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस से, ये कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आया क्या? इसका इफेक्ट आया, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो एक प्लस का इफेक्ट यहाँ पे आया ना, तो इसीलिए जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, ठीक है, या फिर यहाँ से पौना इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज होती है, और बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था आपको। तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एन ई, वेयर क्यू इज द चार्ज, एन इज इंटीजर, इंटीजर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज ए? ए मीन्स 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चलो इस पे आप एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, देख लिया यहाँ तक, हटाएं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो आपने टेंथ में भी किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजेज बाय
वन कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स क्या, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो आप फाइंड आउट करो। सबसे पहले फिजिक्स का जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे गिवन डेटा लिखो, ठीक है? तो हमने लिख लिया गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, देखो वन कूलम मतलब चार्ज गिवन है, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, वन कूलम। हमें क्या निकालना है, N। आपको बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज पता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। आप अभी क्वांटाइजेशन से क्या फॉर्मूला सीखे हो, Q इक्वल टू एन ई, क्यू की वैल्यू पुट करो 1 कूलम, N पता नहीं निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, सो N इक्वल टू व्हाट, 1/1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, दिस इक्वल टू 10/16 इंटू 10 पे पावर 19, ठीक है? ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5.8, ठीक है? ये हो जाएगा कितना, 8.648, ठीक है? 2.16/5 इंटू 10 पे पावर 19, दिस इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पे पावर 19। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप इतने इलेक्ट्रॉन को एक साथ मिलाओगे, ठीक है, और उसके टोटल चार्ज को ऐड करेंगे तो 1 कूलम के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। चलो इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार।